तो नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं जो रुकजाना योजना का मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आप लोग के लिए जो फेल हो जाते हैं 10th 12th के स्टूडेंट, उनके लिए जो वापस से दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, वो आप फॉर्म कैसे भरोगे स्टेप बाय स्टेप आज हम समझते हैं। ये दोस्तों फॉर्म आप अपने मोबाइल फोन से क्रोम ब्राउजर से भी भर सकते हो, बशर्ते आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है। जैसे आपको राशन कार्ड यानी बीपीएल कार्ड जो होता है वो स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। वो चीज अगर आप इसके वोटर आईडी है सॉरी यहाँ पर अगर राशन कार्ड आप नहीं अपलोड करना चाहते हैं तो आप विदाउट राशन कार्ड भी अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और राशन कार्ड धारी अगर आप हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि उसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता, फीस का छूट भी यहाँ पर मैंने चेक किया है तो देखा है तो फीस का कोई भी छूट ऐसा नहीं होता, बराबर ही फीस यहाँ पर दिया गया है। तो आप कोई भी यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं, आपके मोबाइल क्रोम ब्राउजर से भी आप डायरेक्ट भर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन साइड में आपको जैसे फॉर्म भरते हो तो कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल क्रोम में आपको चले जाना है दोस्तों। जैसे गूगल क्रोम में जाते हो तो आपके पास जो ब्राउजर आपको क्रोम ब्राउजर में गूगल में जाके सर्च करना है रुक जाना नहीं। यहाँ पर देखते हो रुक जाना नहीं मैंने ऑलरेडी सर्च किया है, आपको इसी तरह सर्च करना है। तो यहाँ पर जो आप सबके पास ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर देखते हो बैकग्राउंड में आपको सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन है MPSOS यानी MPSOS.NIC.in। तो इसमें आपको नहीं जाना दोस्तों। जो सेकंड यहाँ पर जो बताया गया ओपन स्कूल है MPSOS.MPONLINE.GOV.IN, इसमें आप जाओगे तब आप फॉर्म भर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पर आप देखते हो कि सर्विसेज का ऑप्शन आपके पास ओपन हो चुका है। सर्विसेज में आप एक बार क्लिक करना है आपको, और ये सर्विसेज में आपको ये सर्विसेज है इसके नीचे एक सर्विसेज दिया गया है, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिये सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हो, ये अलग चीज है, इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी यहाँ पर बात करूँ रुक जाना नहीं योजना जो है 2022 एग्जामिनेशन फॉर्म, अभी मैं यहाँ पर सेकंड राउंड का जो भर रहा हूँ क्योंकि ये कैंडिडेट है जो केमिस्ट्री विषय में सब वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर देखते हो रुक जाना नहीं योजना एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम फॉर्म क्लास 10th 12th दिसंबर 2022। लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है कि आपको लास्ट डेट जो है 30 सितंबर यहाँ पर लास्ट डेट जो है तो रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बाकी यहाँ पर जो तो एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसके आपको वीडियो में लाइव एडमिट कार्ड दिखा दूंगा। तो यहाँ पर चलिए एग्जाम फॉर्म भर लेते हैं। तो एग्जाम फॉर्म सबसे पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, तो जो आपका रोल नंबर होता है 10वीं का माध्यमिक शिक्षा मंडल वाला, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर सिंपली डाल देना है। तो इस कैंडिडेट का हम रोल नंबर सिंपली यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों। तो थोड़ा रोल नंबर यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना है। अब जैसे ही आप रोल नंबर एक डाल देते हो अपना, तो यहाँ पर बीपीएल कार्ड धारी अगर आपके पास राशन कार्ड है वो डाल सकते हो, यस या नो कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे कि राशन कार्ड का अगर हम यस करते हैं तो फीस में कुछ छूट मिलता है या नहीं मिलता है, या अनिवार्य है या नहीं है। तो ये दोस्तों अनिवार्य नहीं है, अगर आप नो करना चाहते हो तो नो कर सकते हो, या यस करना चाहते हो तो यस भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर हालांकि एक मैंने फॉर्म भरा था 10वीं के कैंडिडेट का, तो यस किया था तो उसका फीस जो है तो 100-150 के अप्रॉक्स जो है तो कम दिखाया था, और नो कर रहा था तो थोड़ा जो है तो फीस उसका बराबर दिखा रहा था। लेकिन अभी मैंने 12वीं का, क्योंकि मैं 12वीं के एक स्टूडेंट का भर रहा हूँ फॉर्म जो है, तो एक विषय में शायद उनका फेल है, तो उसके में मैं कर रहा हूं, तो उसका जो फीस है कोई भी कम नहीं हो रहा है। मैंने नो करके भी देखा और यस करके देखा, कोई फीस में डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, सेम फीस लिया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। एक बार करने से पहले आपको यस या नो करने से पहले एक बार चेक कर लेना है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि यस या नो करने से इतना बड़ा जो डिफरेंट वगैरह है उसमें दिक्कत आपको कहाँ होगा, अगर आप यस करते हो दोस्तों तो बीपीएल कार्ड जो है तो उसके स्कैन करके आपको बहुत वहाँ पर दिक्कत होती है, आपको भर सकते हो। हालांकि अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर मैं नो करके आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर जो विकलांग कैंडिडेट है तो वो 40% से अधिक अगर विकलांग है वो यहाँ पर यस कर देगा, अगर जो नहीं है वो नो कर देगा। तो सिंपली यहाँ पर इसके बाद कैप्चा फिल कर देना है, कैप्चा यहाँ पर जो भी रहेगा आपको यहाँ पर फिल करने के बाद जो तो आगे के स्टेप में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं बता दूँ बहुत से भाई ये पूछ रहे होंगे कि जो है तो सर्वर का डाउन रहता है, क्या क्या इशू रहता है। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स का जो डिटेल आ गया है, आपका स्कूल कोड आएगा, आपका जो सेंटर कोड है, रोल नंबर आपका दिखाएगा, आपका फोटो दिखा देगा कैंडिडेट्स का, पिता का नाम माता का नाम कैटेगरी आपका पूरा चीज दिखा देगा। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे आते दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा सब्जेक्ट के दिखा रहा है आपका ये। जैसे आप सब्जेक्ट दिखाते हो तो यहाँ पर हिंदी है, आपने देखा कि किस में फेल है, रिमार्क्स में आपको यहाँ पर रिमार्क्स जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखाएगा विषय के सामने कि आप FLDH का मतलब हो गया कि फेल है ये कैंडिडेट, तो फेल रहेगा तो फेल दिखाएगा, अगर पास हो गए तो पास दिखाएगा। अब यहाँ पर रिजल्ट में आप देखोगे तो रिजल्ट में भी आपका फेल दिखाएगा, सप्लीमेंट्री रहेगा सप्लीमेंट्री यहाँ पर दिखाएगा।
तो जिस विषय में आप फेल हो यहाँ पर आपको सिंपली देख के आपके यहाँ पर वो कर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर कैंडिडेट्स का डाल देना है, तो मोबाइल नंबर पे आपको कैंडिडेट्स का हम डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर जैसे आप डालते हो तो नया पेज आपके पास सामने जो है तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं ले रहा है तो मैं मोबाइल नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो अब इस तरह से जैसे कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फीस का जो है यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपका रीवा में रहेगा बता देगा आपको। फीस आपका 500 यहाँ पर दिखा देगा। एक विषय कहेंगे पोर्टल फी 25 रुपए रहेगा, टोटल फी 525 यानी 525 का पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट के एक ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप सबमिट कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो है तो ये जो है तो ओपन आ जाएगा। जो है तो आपको डिटेल यहाँ पर देख सकते हो कि क्या आपने किया फाइनल, एक बार जो देख सकते हो जिस विषय में आप फेल होगे तो यहाँ पर दिखा देगा केमिस्ट्री का जिनका भी रहेगा, बाकी यहाँ पर फीस दिखा देगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे ही करते हो आप फोन पे गूगल पे से जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इसमें आपको इशू नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेगा पेमेंट करने के लिए। अगर क्योस्क से करना चाहते हो क्योस्क का आईडी वगैरह डाल के आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने से मोबाइल फोन से खुद से कर रहे हो तो आपको सिटीजन जो आपके पास एक ऑप्शन है ये सिटीजन वाले जो गोला है उसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सिंपली गोले में क्लिक करते हैं, इसके बाद सबमिट करना है आपको। सबमिट जैसे ही करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर स्वयं से कर रहे हो तो यूपीआई में आ जाना है। इसके बाद आपको जो पेटीएम है, इसके बाद पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकंड ऑप्शन है, वहां पर आपको चले जाना है। अगर आप अपने कियोस्क से करते हो तो आपको जो है तो डेबिट का आईएमपीएस नेट बैंक वगैरह से कर सकते हो आपकी मनमर्जी के हिसाब से। इसके बाद हम यहां पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद जो रेफरेंस नंबर दिया जा रहा है एमपी ऑनलाइन की तरफ से, ये आपको जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि अगर पेमेंट फेल होता है दोस्तों तो ये जो आपको रेफरेंस नंबर अगर बताते हो तो ये रेफरेंस नंबर के माध्यम से आपका पेमेंट जो है तो वापस हो जाएगा। ये इसके बारे में शिकायत आप कर सकते हो, तो ये आपको नोट करके रख लेना है। चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब जैसे ओके करते हो दोस्तों यहाँ पर फिर से आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली एक बार फिर से सबसे नीचे आपको यूपीआई दिखेगा, यहाँ पर यूपीआई करोगे। इसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मेक पेमेंट में क्लिक करोगे। जैसे मेक पेमेंट क्लिक करते हो तो यहाँ पर पूरा अमाउंट दिखाएगा कितना आपका कटने वाला पैसा, 525 कट रहा है पैसा इनका। इसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे वो प्रोसीड विद पेमेंट में आते हो तो आप गूगल पे फोन पे से यहाँ पर जो क्लिक है स्कैनर दिख रहा है यहाँ से स्कैन कर भी कर सकते हो पेमेंट, अदरवाइज यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए हम यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। दोस्तों मैंने पेमेंट कर दिया है आपके, जैसे मैंने यूपीआई आईडी डाला था तो वहाँ पर गूगल पे फोन पे जो भी आप डालोगे वहाँ पर रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो आप जैसे ओके करते हो पिन आप डालते हो आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्वर एरर प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऐसी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आगे एक स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिंपली बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके अकाउंट से पैसा ऑलरेडी कट चुका है लेकिन फिर भी पेमेंट मांग रहे हैं आपसे। ओके, यहाँ पर सिंपली आपको थोड़ा बाहर इसके जाना है। अब जैसे बाहर जाते हो दोस्तों तो यहाँ पर पे एंड पेड जो व्यू रिसिप्ट है आपका जो रोल नंबर है वहां से डाल के आप जो है तो, कई बार होता है कि सर्वर के इशू के कारण भी ऐसा हो जाता है, तो आपको रोल नंबर यहाँ पर सिंपली डाल देना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो वो डाल सकते हो, हालांकि बहुत से लोग पास एप्लीकेशन नंबर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो है तो आपको रोल नंबर सिंपली डाल देना है। तो चलिए कैंडिडेट्स कहाँ जो होते हैं रोल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। अब जैसे दोस्तों रोल नंबर है वो आपका जो कैप्चा है फिल करते हो तो यहाँ पर आपके सामने जो है तो न्यू जो है तो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो वैलिड कैप्चा डालने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पर वापस से आपको फिर से एक बार कैप्चा डाल देना है। कैप्चा सही नहीं डालोगे तो ये आपके एरर पर जो तो दिखाने वाला है। सिंपली एक बार हम फिर से सर्च करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो है तो नया पेज ओपन हो गया है, आपका रोल नंबर दिखाएगा, स्टूडेंट का नाम दिखाएगा, पूरा डिटेल आपको जो है तो दिखाने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर सिंपली यहाँ पर रीवा दिखाएगा, जो भी है आपको नियर बाय दिखाएगा लेकिन एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर नहीं दिखाएगा। अब बाकी यहाँ पर जो है तो केमिस्ट्री जो भी आपका रहे वो दिखाएगा। अब यहाँ पर बात करूँ कि फीस का पेमेंट, यहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट का यहाँ पर देख सकते हो कि पेड है ऑलरेडी, आपका ट्रांजेक्शन आईडी आपका दिखा देगा, आपका ट्रांजेक्शन डेट आपने कब किया था, पेमेंट स्टेटस में आप देखोगे तो पेड का ऑप्शन आएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सिंपली आपको ये स्टेप कर देना है। आपको कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका पैसा यहाँ पर कट गया है लेकिन आपका पेमेंट भी हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको सिंपली इसको प्रिंट करके सेव करके जो है तो रख लेना है। तो यहाँ पर सिंपली यही वीडियो था, आपको आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो।